देवी माँ से आशीर्वाद लेंगे ताकि ये जो कोरोना है जल्दी से ख़त्म हो जाए और दुनिया के तमाम लोगों के ज़िंदगी में हिस्से में खुशियाँ आए, भरपूर सफलता आए और सबको रोज़गार मिले। व्हाट्स अप लवली पीपल, दिस इज़ गुरु एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। तो फ़िलहाल ये दशहरा का समय चल रहा है और बताना चाहूँगा इस वक्त हमारे यहाँ जमशेदपुर में कोरोना का जो गाइडलाइन है दशहरा के लिए उसको जारी कर दिया गया है और उसमें ये बोला गया है कि 5 फीट से ऊपर मूर्ति नहीं बनाना है और जो पंडाल है वो बनेगा लेकिन वहाँ मैक्सिमम लोगों को जाना मना है। इसके अलावा बहुत सारी पाबंदियाँ हैं तो ये हमारे लिए एक चुनौती है। तो इन चुनौती के बीच में हम आपको ये बता रहे हैं कि इस साल आप दशहरा में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो से जुड़े रहिए, आप लोगों को ये बताएंगे कि इस साल आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं और आप दशहरा का हमारे जमशेदपुर में मज़ा कैसे उठा सकते हैं। तो हमसे जुड़े रहिए। लवली पीपल एंड मेरे प्यारे जमशेदपुर वासियों, सबसे पहले तो आप लोगों को 2021 यानी कि 2021 का आप सबों को दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बताना चाहूँगा इस सफ़र में आज हम लोग पहली बार सबसे पहले यहाँ मलखन सिंह पंडाल में आए हैं और आप लोगों को पता है कि हमारे जमशेदपुर में यदि दुर्गा पूजा का उत्साह का बात होता है तो सबसे पहले अगर किसी पंडाल का नाम आता है तो वो आता है हमारा आदित्यपुर का जयराम यूथ क्लब का यानी कि मलखन सिंह पंडाल का। तो हम यहाँ पर आए हैं तो आपको यहाँ बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या फैसिलिटी है, इस साल क्या क्या सावधानियाँ बरतना होगा, क्या क्या चुनौतियाँ हैं, तो आपको दिखाएंगे। तो चलिए चलते हैं। लवली पीपल, आप लोग नज़ारा देख सकते हैं कि इस साल यानी कि साल 2021 में जो दुर्गा पूजा का उत्साह है वो चरम पर है। और जैसे कि मैंने बताया था इस सफ़र में हम सबसे पहले यहाँ आदित्यपुर का जयराम यूथ क्लब में आए हैं और आप लोग देख सकते हैं जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है। और बताना चाहूँगा आज ये संडे का दिन है और इस वजह से भी यहाँ पर जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा है। और जनरली यहाँ पर क्या होता है ना, जो भीड़ है हर साल होता ही है तो आप लोगों को पता होगा और जो लोग जमशेदपुर में रहते हैं उनको ये अंदाज़ा होगा, उनको ये पता होगा कि अगर हमारे जमशेदपुर में अगर कहीं पर सबसे ज़्यादा भीड़ होता है तो यही वो जगह है जहाँ पर भीड़ होता है। तो आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है इस साल के लिए कि आप यहाँ पर अपने परिवार के साथ आ सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ आ सकते हैं और यहाँ पर दशहरा का जो छुट्टी है उसका आप लोग भरपूर आनंद उठा सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं। ये देखिए क्या नज़ारा है, इट्स ब्यूटीफुल। आप लोगों को मैं और करीब से दिखाता हूँ तो आप सभी श्रद्धालुओं का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। और बताना चाहूँगा इस बार कुछ ऐसा अरेंजमेंट किया गया है कि आप जो देख सकते हैं पंडाल का जो दीदार कर सकते हैं उसके लिए आपको पंडाल के ऊपर नहीं अंदर नहीं जाना होगा बल्कि उसके चारों तरफ एक बैरिकेड किया गया है, वहीं से आपको देखना पड़ेगा। और आप लोग देख सकते हैं जितने भी श्रद्धालु हैं यानी कि आम जनता सब जो बैरिकेडिंग है उसके बाहर से देख रहे हैं। तो इस बार का अरेंजमेंट कुछ ऐसा ही है ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स और ये हमारे लिए फ़ायदा का सौदा है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह का आप लोगों को इस साल अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। और लवली पीपल, मैं दूसरा चीज़ ये बताना चाहूँगा, आप लोग जब भी यहाँ आएंगे, यहाँ मेरा कहने का मतलब है कि आप जब भी पंडाल में जाएंगे तो आप अपने साथ मास्क जरूर से कैरी करें। और बताना चाहूँगा यहाँ पर ऐसा फैसिलिटी है कि यहाँ पर वैक्सीन भी दिया जा रहा है एज वेल एज जो मास्क नहीं लेकर आते हैं उनको यहाँ मास्क भी दिया जा रहा है एज वेल एज यहाँ पर चारों तरफ सैनिटाइज़र का अच्छा खासा फैसिलिटी है। तो यहाँ पर जो भी सावधानियाँ हमें बरतना चाहिए वो सुविधाएँ यहाँ पर हैं
तो यहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और यहाँ काफ़ी आपको मज़ा आने वाला है। और सचमुच हमें तो काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो आप लोग भी हमारे साथ मज़ा लेते रहिए। तो लवली पीपल, मज़ा आ रहा है ना? बताना चाहूँगा इस वक्त हम लोग घूमते घूमते यहाँ इमली चौक के बगल में जो स्टैप है वहाँ का पंडाल में आए हैं। और बताना चाहूँगा ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल यहाँ पर भी जो पंडाल है उसको भव्य नहीं बनाया गया है, बल्कि आप कह सकते हैं कि इसको एज ए फॉर्मेलिटी सिर्फ बनाया गया है। बट जो भक्ति का जो भावना है वो काफ़ी चमक है, धमक है, तो हमें मज़ा आ रहा है। चलिए मैं थोड़ा सा बढ़िया से दिखाता हूँ। तो बात ऐसा है, अभी यहाँ इस टाइप में जो पंडाल है वहाँ पर आरती हो रहा है, तुम देख सकते हैं। जय माता दी, सबको खुश रखना, सबको प्यार देना, सबको सुखी देना और पूरी दुनिया में शांति शांति लाना। तो इस बार सिर्फ फॉर्मेलिटी भर है, इस बार कोई ज़्यादा पंडाल नहीं बनाया गया है। थोड़ा सा मैं बाहर से दिखाता हूँ। आप जब बाहर से इस टाइप का पंडाल को देखते हैं तो कुछ ऐसा नज़र आता है। और अब में से बहुत सारे लोगों को पता होगा, यहाँ इस टाइम में भी हर साल काफ़ी भव्य और काफ़ी विशाल, काफ़ी बड़ा पंडाल बनाया जाता है। बट ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स यहाँ भी सिर्फ छोटा मोटा आप कह सकते हैं कि फॉर्मेलिटी भर के लिए पंडाल बनाया गया है। बट जैसे कि मैं कह रहा था, यहाँ की भक्ति की भावना में कोई कमी नहीं है। और चूँकि ये पंडाल ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ भीड़ नहीं है। तो आई गेस कल या परसों तक भीड़ हो जाएगा। और ये भी एक विकल्प हो सकता है कि यहाँ पर आप लोग आ सकते हैं और अपने फैमिली के साथ में एक अच्छा और कीमती वक्त गुजार सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं इस वक्त हम लोग यहाँ घूमते घूमते कदमा के ओल्ड फर्म एरिया में आ गए हैं। और पीछे आप लोग देख सकते हैं जो पंडाल है ये काफ़ी छोटा है। और उसका रीज़न ये है कि बेसिकली जितने भी जो पंडाल्स बनते हैं वो मेला की वजह से बनते हैं। और इस बार प्रशासन ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया है, एक्चुअली झारखंड सरकार ने, यानी कि हेमंत सोरेन जी ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया है कि इस बार पंडाल में कोई किसी तरह का कोई मेला नहीं लगेगा। तो इस वजह से यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि पंडाल में कोई रौनक नहीं है, कोई मेला नहीं लगा है। और जो पंडाल बनाया गया वो सिर्फ फॉर्मेलिटी भर का है, लेकिन फिर भी हम यहाँ ओल्ड फर्म एरिया कदमा में हम देवी माँ से आशीर्वाद लेंगे ताकि ये जो कोरोना है जल्दी से ख़त्म हो जाए और दुनिया के तमाम लोगों के ज़िंदगी में हिस्से में खुशियाँ आएँ, भरपूर सफलता आए और सबको रोज़गार मिले। तो ये कदमा के ओल्ड फर्म एरिया का देवी माँ का प्रतिमा है। और बताना चाहूँगा यहाँ हर साल काफ़ी भव्य और विशाल पंडाल बनाया जाता है, लेकिन चूँकि इस बार मेला का आयोजन नहीं किया जा सकता है क्योंकि उसका परमिशन नहीं मिला है, इस वजह से आप लोग देख सकते हैं जो पंडाल का जो आकार है काफ़ी छोटा है। लेकिन बताना चाहूँगा हमारे दिल में जो भक्ति की जो भावना है वो काफ़ी विशाल है। इस वक्त हम लोग घूमते घूमते सुनारी के राम मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ भी हर साल भव्य तरीके से इस मंदिर में दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है। और यहाँ पर हर वर्ग के लोग, बच्चे, बूढ़े और जवान, सभी लोग यहाँ पर आते हैं और माँ से दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं और भविष्य की कामना करते हैं। तो ये भी एक बेहतर विकल्प हो सकता है इस कोरोना के बीच में कि आप लोग यहाँ पर आइए और अपने परिवार के साथ में कीमती वक्त बिताइए, ये एक बेहतर विकल्प है। प्यारे जमशेदपुर वासियों एंड मेरे लवली पीपल, इस वक्त हम लोग घूमते घूमते सिद्धगोड़ा में आ चुके हैं।
और बताना चाहूँगा ये जो पूजा पंडाल है ये सिद्धगोड़ा के सिनेमा मैदान पर बनाया गया है और यहाँ पर हर साल की भांति इस बार भी यहाँ बनाया गया है। और बताना चाहूँगा ये जो पूजा पंडाल है यहाँ पर साल 1953 से यहाँ पर पूजा का आयोजन किया जा रहा है और इस बार भी इतने सारे प्रोटोकॉल्स इतना सारे गाइडलाइन होने के बावजूद यहाँ पर हमारे लिए खास पंडाल बनाया गया है। तो ये आप लोगों के लिए एक बेहतर विकल्प हो सकता है जहाँ पर आप लोग आ करके अपने परिवार के साथ में दोस्तों के साथ में आप लोग एक कीमती वक्त गुजार सकते हैं और दुर्गा पूजा का पूरा मज़ा उठा सकते हैं। तो आप लोग आइए और मज़ा लीजिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस सिद्धगोड़ा के पूजा पंडाल में आप लोगों के लिए हमारे लिए और दुनिया के तमाम लोगों के लिए आशीर्वाद ले लिया है और हमने ये कामना किया है कि दुनिया से जो कोरोना है वो ख़त्म हो जाए और सबको सुखी मिले, सबको प्यार मिले, सबको शांति मिले और दुनिया में शांति शांति छा जाए। और इसके अलावा बताना चाहूँगा ये जो पंडाल, इसका जो थीम है वो पर्यावरण को बचाना है, सेव इन्वायरमेंट। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ यहाँ पर प्लांट से इसको सजाया गया है, थोड़ा सा दिखा दो। और बताना चाहूँगा आप जब यहाँ पर आएंगे आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, यहाँ पर जो मैदान है खुला वाला है तो आप यहाँ पर एक कीमती बेस कीमती जिसको बोलते हैं ना वो वाला आप वक्त यहाँ पर गुजार सकते हैं। तो मोस्ट वेलकम। सीन कुछ ऐसा है कि हम लोगों ने अभी टेलको का छप्पा छप्पा छान मारा लेकिन हमें कहीं भी कोई बड़ा पंडाल नहीं दिखा और जो भी दिखा वो छोटा मोटा था, तो हमें बिल्कुल भी रस नहीं आया, मज़ा नहीं आया। और फिलहाल हम यहाँ पर एग्रिको वाला मैदान पर आए हैं और यहाँ पर भी बताना चाहूँगा जो पंडाल एकदम छोटा सा है, सूच में है, तो यहाँ भी मज़ा नहीं आ रहा। बट हाँ, जो भक्ति का जो भवन है वो काफ़ी विशाल है, एकदम समंदर से भी बड़ा। और बताना चाहूँगा कुल मिलाकर मैं ही बोलूँगा इस साल यानी कि 2021 में अगर हमारे जमशेदपुर में बात किया जाए दुर्गा पूजा उत्सव का, सबसे अच्छा जो आपको पंडाल मिलेगा वो आपको मिलेगा आदित्यपुर में और सिद्धगोड़ा के सिनेमा मैदान में। तो आप वहां पर जा सकते हैं पंडाल देखने अपने परिवार के साथ में और यकीन मानिए आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो लवली पीपल, आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत सारा जानकारी मिला होगा और वंस अगेन आप सब लोगों को हैप्पी दुर्गा पूजा 2021। और इसी के साथ आज का ब्लॉग का पार्ट कहीं पर ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट किसी प्यारा सा बढ़िया सा ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और मेरा आप सबों से गुजारिश है कि यदि आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही प्यार देते रहिए।